हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर ये बातें फैलाई जा रही हैं ताकि आपका प्रिंट नहीं निकले कि 22 दिसंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा। देखो, एक बात आप समझिए, इस साल नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। मैं डिटेल आपके पास लेके आऊँगा किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 1150 के आसपास कर वैकेंसी हैं टोटल इस बार UPPCS के अंदर। पिछली बार वैकेंसी बहुत कम थी। एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर पिछली बार जैसा पेपर आ गया ना इस बार 2024 में, तो जो आपका जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं अगर आपका CSET पास हो जाता है तो। ये बात आप ध्यान रख लेना, क्योंकि एक बात आप समझिए, 350 के आसपास का नंबर ऑफ वैकेंसी थी 2022 में और 2021 में और 20 के आसपास का। आप देख लीजिए कट ऑफ कितनी गई है। और अगर पेपर 2023 जैसा आ गया ना, तो कट ऑफ आपकी बहुत घट जाएगी। 2024 में नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम थी। ये आपके खिलाफ साजिश हो रही है। इस बात को बिल्कुल निश्चिंत अपने दिल और दिमाग से निकाल देना कि आपका एग्ज़ाम जो 22 दिसंबर को नहीं होगा। 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम 1000% हो रहा है। किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहे। रोल नंबर जो एडमिट कार्ड है उस पर काम शुरू हो चुका है। आपका रोल नंबर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम सेंटर पॉलिसी के बारे में। देखो, कुछ लोगों के लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पर। मैंने उनको टेलीग्राम पर कुछ को जवाब दे दिया, तो मुझे लगा कि इसके लिए यूट्यूब पर ही बता देना चाहिए। जो होम डिस्ट्रिक्ट किसको मिलेगा, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है, जो हैंडीकैप है, उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। लेट अस सपोज कि जैसे ए पर्सन है, ये मेल है या फीमेल है और ये हैंडीकैप है, ये आता है आपको आगरा डिस्ट्रिक्ट का, तो इसको आगरा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। ये आप ध्यान रख लेना। लेकिन जो लड़कियां हैं उनको होम मंडल मिलेगा, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान रख लेना है। और जो अदर पर्सन है, मेल हैं और हैंडीकैप नहीं है, उनको दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भेजा जाएगा। ये आपको क्लियर कट बात बता दी सेंटर के बारे में, जो नई पॉलिसी आई है 2024 के लिए। एडमिट कार्ड आपका, उस पर काम चल रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 75 जिलों में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। नंबर ऑफ कट ऑफ को आप देख सकते हैं, किस साल कितनी गई है, किस क्वेश्चन नंबर भी लिखे हुए हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसके रिगार्डिंग। आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपने 2-3 सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड कर ली, तो आपका प्री निकलने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अभी भी वक्त है, यकीन मानना। अगर आप जैसे मान लो पहले आप पढ़ते थे 8 घंटे 9 घंटे, इस समय आप स्टिंग को बढ़ा दो 15 घंटे 18 घंटे। अगर आप स्टिंग आपने 15 घंटे 18 घंटे बढ़ा दी ना, तो यकीन मानना आपका पेपर पास हो सकता है, अगर आपने पहले भी UPPCS का प्री वगैरह दे रखा है तो। एक बात ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे हैं तो टेस्ट सीरीज को मारो गोली। टेस्ट सीरीज को करने का वक्त नहीं है, रिवीजन का वक्त है। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग इस समय टेस्ट सीरीज को करने में लगे रहेंगे ना, तो आपका जो समय है कीमती, वो उसमें बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजिकली रूप से आप टूट जाओगे। ये जो टेस्ट सीरीज वगैरह जो होती है, ये स्टार्टिंग के लिए होती है। अब टेस्ट सीरीज का वक्त नहीं है, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जिस तरीके का ये क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं ना, उस तरीके का ये पेपर आपका आए देखने को। हाँ, ये प्रैक्टिस के लिए होता है ताकि आपकी कमियों को उजागर किया जा सके, लेकिन अब वो समय नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो ये मैंने आपको लास्ट में बता रहा हूँ, 3-4 सब्जेक्ट अच्छे से कमांड कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है आपकी, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, बायो में मेरा लिंक है @RajkumarChaudhary1। आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। तो ये मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उनसे बात कर सकते हो। एक बात आप ध्यान रख लेना, पेपर आपका 22 दिसंबर को ही हो रहा है। 3-4 सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड कर लो। पॉलिटी, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पॉलिटी हुआ, प्लस के करंट अफेयर हुआ, इसके साथ साथ साइंस, क्योंकि साइंस से 20-25 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपके यकीन माना 60+ क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे यहाँ से। इसके अलावा आपका इन्वायरमेंट बच गया। इन्वायरमेंट बहुत आसान आता है। अगर आपके पास घटना चक्र है, तो घटना चक्र को ही करना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, इधर उधर आप करें। अगर आपने नोट्स बना रखे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपने बता दी, 3-4 सब्जेक्ट आप अच्छे से कमांड कर लेना। करंट अफेयर के लिए 2-3 सब्जेक्ट, 2-3 मैगजीन वगैरह पकड़ लेना इस समय। और कम से कम आप ई दृष्टि तो कम से कम कंप्लीट करना ही करना है, 2-3-4 बार उसका रिवीजन करना है। तो ये मैंने सारी आपको अपडेट बता दी है। इसी प्रकार की आपको कोई क्वेरी हो, तो बायो में मेरा लिंक @RajkumarChaudhary1, इंक्लूसिव स्टडी सेंटर मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। धन्यवाद गाइस, नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।